शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान होंगे यूएई के नए वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, यूएई खबर में आपका स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात में नए वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया है, जिनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। इसकी घोषणा खुद यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने यूएई फेडरल सुप्रीम काउंसिल की मंजूरी के साथ करी है। राष्ट्रपति के न्यायालय और राष्ट्रपति के मामलों के मंत्रालय को संभालने के बाद शेख मंसूर को साल 2004 में राष्ट्रपति मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2006 में उन्हें मंत्री स्तरीय विकास परिषद और 2007 में अमीरात निवेश प्राधिकरण की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया था। वैसे शेख मंसूर अबू धाबी फंड के चेयरमैन भी हैं। वो अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के सदस्य हैं और कई निवेश संस्थानों के बोर्ड में शामिल हैं। इनका जन्म 21 नवंबर 1970 को अबू धाबी शहर में हुआ था, जहां उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1993 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातक की डिग्री हासिल की। वैसे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट के बीच अबू धाबी के भी नए राष्ट्रपति की घोषणा हुई है। क्या है उनका नाम, ये बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप सऊदी अरब या दुबई की इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखना पसंद करते हैं, जैसे वीज़ा पासपोर्ट बनवाने के प्रोसेस, सऊदी अरब या दुबई में नौकरियों की वैकेंसी, वहाँ रहने और खाने पीने का खर्च, इन सब जानकारियों के लिए आप हमारे नए फेसबुक पेज गल्फपीडिया को फॉलो और यूट्यूब चैनल गल्फपीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। यही अबू धाबी शहर के नए क्राउन प्रिंस को भी चुना गया है, जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसकी घोषणा भी खुद यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने की है। यूएई फेडरल सुप्रीम काउंसिल की मंजूरी के साथ करी गई है। नए राष्ट्रपति की घोषणा करते हुए एमरी डिक्री जारी की गई, जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसमें सभी 7 अमीरात के शासक शामिल होते हैं। बता दें कि शेख खालिद शेख मोहम्मद बिन जायद के सबसे बड़े बेटे हैं। अबू धाबी कार्यकारी परिषद के सदस्य और अबू धाबी कार्यकारी कार्यालय के अध्यक्ष शेख खालिद को पहले 15 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। यूएई के युवाओं की उन्नति के लिए उन्होंने एक नए सरकार के नेतृत्व वाले कैरियर निर्माण कार्यक्रम के शुभारंभ का भी निर्देश दिया है, जो स्कूल के स्नातकों, विश्वविद्यालय के स्नातकों और नौकरी चाहने वालों के करियर को आगे बढ़ाएंगे। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यूएई के नए वाइस प्रेसिडेंट और अबू धाबी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं उनके नाम सब कोई जान सके। लाते रहेंगे ऐसे ही तमाम खबरें, तब तक देखते रहिए यूएई खबर।